हेलो एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है, जहां हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पिछले दो हफ्ते के 21 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन सबको कवर करेंगे और ये देखेंगे कि वो कैसे आपके प्री, आपके व्यापम या फिर आपके मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे और जहाँ पे हम 21 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक का सभी करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। तो राज्य में 3 नए जिलों का गठन किया गया है, ये अभी फिलहाल का सबसे हॉट टॉपिक है और इस चीज़ से आप सभी परिचित होंगे। तो अभी वर्तमान में 28 जिले थे और अब 3 नए जिले सृजित करने के बाद में राज्य में जिले की संख्या जो है वो बढ़ करके 31 हो गई है। तो हम देखते चलते हैं कि 29वां जिला कौन सा बना, उसका भौगोलिक स्थिति कैसा है, 30वां जिला कौन सा है, 31वां जिला कौन सा है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो ये जो जिला है, ये इसका मात्र जो जिला है वो आपका हो जाएगा राजनांदगांव के लोअर पोर्शन, जो साउथ पोर्शन है राजनांदगांव का नीचे वाला हिस्सा, उसको काट करके इस जिले का निर्माण किया गया है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। तो इसका मात्र जिला जो है वो राजनांदगांव, और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है कभी एग्जाम में, तो जैसा राजनांदगांव को हम जानते हैं कि वो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता था, तो ये जो है आपका नया जिला जो है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये भी जो है दुर्ग संभाग के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाउंड्रीज को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे किसको टच करता है। तो ये जो है, ये जिला है आपका मोहला मानपुर, अगर इसका उत्तरी सीमा अगर आप देखेंगे तो उत्तरी सीमा जो है आपका ये छुरिया तहसील है आपका राजनांदगांव का, तो राजनांदगांव का छुरिया तहसील इसको टच करता है ये। दक्षिणी सीमा अगर देखेंगे तो इस राजनांदगांव के नीचे हम सबको पता है कांकेर जिला था, तो अब जो है वही कांकेर जिला इस जिले का दक्षिणी छोर बनाएगा। तो वो जो जगह है वो दुर्ग कोंडल पखांजूर जो है कांकेर में स्थित है। पूर्वी सीमा, ईस्टर्न सीमा को अगर हम देखेंगे तो वो बालोद पड़ेगा, अगर हम नक्शे में देखते हैं तो बालोद का जो है डोंडी लोहारा है ना, बालोद का डोंडी लोहारा क्षेत्र जो है वो आपका इसका पूर्वी सीमा बनाएगा। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो जैसे राजनांदगांव महाराष्ट्र के साथ पश्चिमी सीमा बनाता था, तो उसी प्रकार यह जिला भी जो है आपके महाराष्ट्र के साथ में पश्चिमी सीमा बनाएगा। तो ये उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे आपका जो है छुरी वाला जो क्षेत्र है, छुरिया जिसको बोलते हैं राजनांदगांव में, वो वाला बॉर्डर है। और अगर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो इधर पे बालोद जिला है, इधर पे डोंडी लोहारा पड़ेगा। अगर दक्षिण में देखेंगे तो ये पखांजूर आपका कांकेर, जिसे उत्तर बस्तर कांकेर भी कहा जाता है। और जो है आपका वेस्टर्न साइड में देखेंगे, पश्चिमी साइड में देखेंगे तो आपका पड़ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सभी बाउंड्री को लेकर के सब क्लियर हो गया। और अगर देखें तो जनजाति बहुल क्षेत्र है, हम सबको पता है, और बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग थी कि नया जिला बनाया जाए, क्योंकि जो जिला मुख्यालय था राजनांदगांव का, ये मोहला या अम्बागढ़ चौकी से जो है काफ़ी इसकी दूरी थी। इसके अलावा और क्या फैक्ट्स इसमें देख सकते हैं, तो इसमें 3 तहसील बनाई गई है, जिस 3 नाम से जिले का नाम है वही 3 इसकी तहसीलें भी हैं, तो ये एक याद रखना है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है, ये राज्य का 29वां जिला है, तो इसके क्रम को आपको याद रखना है। कब बनाया गया, तो आपको याद रखना है 2 सितंबर को इसका उद्घाटन किया गया है, मतलब 2 सितंबर का डेट हमको याद रखना है। घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2021। तो इतने ही सारे फैक्ट्स थे जिसको आपको याद रखना है, 29वां जिला, इसकी बाउंड्रीज और इसके 2-3 डेट्स हैं, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम 30वें जिले की तरफ। तो राज्य का 29वां जिला तो देख लिया, 30वां जो जिला है वो है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, जिसे 2 अलग अलग जिलों से काट करके बनाया गया है। पहला तो जो है आपका सारंगढ़ और बरमकेला वाला क्षेत्र है, वो हमने रायगढ़ के दक्षिण क्षेत्र से लिया है, जबकि बिलाईगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो बलौदाबाजार भाटापारा जिले से लिया गया है। और इन तीनों तहसील या तीनों जनपदों को मिला करके एक नया जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो इसके बाउंड्रीज की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है आपके छत्तीसगढ़ के 4 जिलों, जबकि उड़ीसा के 1 जिला बड़गढ़ इसको टच करता है। तो अगर डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ये सारंगढ़ का नक्शा है, और अगर इसके उत्तर क्षेत्र में देखेंगे तो ये जो है आपका रायगढ़ का क्षेत्र है, ठीक है। अगर इसके दक्षिण में देखेंगे तो महासमुंद सरायपाली वाला क्षेत्र पड़ेगा आपका, महासमुंद सरायपाली का क्षेत्र। इसका अगर हम
आपका वेस्टर्न साइड देखते हैं, पश्चिमी साइड देखेंगे तो बलौदा बाजार भाटापारा से ही कटा है, ये वाला क्षेत्र आपका बिलाईगढ़ है, तो ये यही वाला डायरेक्शन पड़ जाएगा आपका। वेस्टर्न साइड में कौन सा जिला पड़ेगा, तो बलौदा बाजार भाटापारा, ठीक। उत्तर पश्चिम में देखेंगे, अगर ये वाले क्षेत्र को देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है ये है आपका जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ के चार जिलों को टच कर रहा है, इसके अलावा उड़ीसा को भी टच कर रहा है और उड़ीसा के बरगढ़ जिले को टच कर रहा है। ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है और ये इधर जो जिला है वो है आपका बरगढ़, तो बरगढ़ को भी ये टच करता है। तो ये उड़ीसा के बरगढ़ को टच कर रहा है और छत्तीसगढ़ के चार जिलों को टच कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। तीन तहसीलें हैं इसमें, आपका जो बिलाईगढ़ है, आपका जो सारंगगढ़ है और आपका जो बरमकेला वाला क्षेत्र है। NH 153 पर स्थित है, ये NH 153 पर स्थित है जो सरायपाली से रायगढ़ को जोड़ती है। इसके अलावा क्या देख सकते हैं, गठन जो है इसका 3 सितंबर को किया गया और इसकी घोषणा भी जो है, इसको जिला बनाने की घोषणा जो है 15 अगस्त 2021 को किया गया था, ठीक है। रियासतकालीन क्षेत्र है, हम सबको पता है 14 रियासतों में से एक था। रियासतकालीन एक हवाई पट्टी भी स्थित है यहाँ पे। इसके अलावा इसका इसके संभाग की बात करें, हमने पिछले जिले का संभाग देखा था वो था दुर्ग, और अगर हम सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के संभाग की बात करेंगे तो इसका संभाग जो है अब बिलासपुर पड़ जाएगा। सारंगगढ़ पहले भी बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता था क्योंकि वह रायगढ़ जिले का पार्ट था। इसमें एक ही बदलाव ये हो रहा है कि बिलाईगढ़ जो पहले रायपुर संभाग के अंतर्गत आता था वह अब बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। मात्र जिला की बात हमने कर ली, रायगढ़ और बलौदा बाजार। इसके अलावा देखें तो यहाँ निवास किन लोगों का है, अगर देखें इससे पहले वाले में हमने देखा कि वो जनजाति बहुल इलाका था, तो यह जो है रामनमी जो समुदाय होता है, जो अपने पूरे शरीर में राम नाम का गोदना गोदाते हैं, उनकी बहुतायत में यहाँ पे आपको जनसंख्या दिख जाएगी। और इन्हीं रामनमी समुदाय से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम बड़े भजन का मेला के नाम से जानते हैं। बड़े भजन का मेला 2019 के पीएससी में पूछ चुका है कि कहाँ मनाया जाता है या फिर कब मनाया जाता है, तो पूस के माह में मनाया जाता है और इसी क्षेत्र में, सारंगगढ़ वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसे भजन मेला भी कहा जाता है आमतौर पे, या फिर बड़े भजन का रामनवमी मेला भी आप बोल सकते हैं। नदी की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल इस वाले छोर से जो है आपका महानदी गुजरती है, तो महानदी ही इसकी एक प्रमुख नदी हो जाएगी। गोमरडा अभयारण्य जो 1975 में बना था और 278 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है, जहाँ पे सोन कुत्ता पाया जाता है। पहले हम उसको पढ़ते आए हैं अब तक कि वह रायगढ़ जिला में था, अब उसकी स्थिति बदल जाएगी और वो सारंगगढ़ जिले में पड़ेगा। तो सारंगगढ़ जो मुख्य शहर है उससे बहुत ही क्लोज पास में ही है गोमरडा अभयारण्य। तो अब आपको एक नया लोकेशन उसके लिए याद रखना है, वो कहाँ पड़ेगा, सारंगगढ़ में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम सब ने अभी तक के बस्तर दशहरे के बारे में खूब पढ़ा है, लेकिन जो सारंगगढ़ का दशहरा होता है वो भी उसी के समान ही काफ़ी प्रचलित है और बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इसमें क्या क्या कुछ मुख्य बातें होती हैं इसको भी मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पे एक तस्वीर लगा करके रखी है मैंने, ये सारंगगढ़ के ही दशहरे की तस्वीर है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इसे बोला जाता है गढ़ बोला जाता है। दशहरे के अवसर पर क्या किया जाता है, इसे गीली मिट्टी और गोबर से लीपा जाता है, इसे बिल्कुल चिकना कर दिया जाता है, और जितने भी नौजवान देख रहे हैं आप इनको टास्क दिया जाता है कि इसके ऊपर चढ़ना है। और इसके टॉप में जो है सारंगगढ़ राजमहल है, उसके गढ़ का एक मिट्टी से एक प्रतिरूप बनाया जाता है और इनको टास्क रहता है कि ऊपर चढ़ करके उसको तोड़ें। ये जब चढ़ते हैं तो ऊपर कुछ लोग होते हैं जो लाठी से इनको चढ़ने से रोकते हैं, इनको मारते हैं, समझ लो इनके रास्ते को रोकने का प्रयास करते हैं, और उसके बावजूद भी इनको उसमें चढ़ना होता है। जो ऊपर चढ़ गया और उस स्ट्रक्चर को जिसने तोड़ दिया वो गढ़ का विजेता हो जाता है। पहले के ज़माने में जो ये कार्य करता था उसको वहाँ के रियासत की सेना में भर्ती किया जाता था, अब तो रियासत रही नहीं, तो इसके बदले में कुछ प्राइज मनी इनको दिया जाता है और उसके बाद ही जो है यहाँ पे रावण दहन किया जाता है। तो ये सारंगगढ़ के दशहरे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। तो दो जिले हमने देख लिए, तीसवा जिला हमारा कंप्लीट हो गया, 29 और 30 कंप्लीट हो गया। 31वें जिले की तरफ चलेंगे तो वह है आपका खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिला। 3 सितंबर को इसका भी उद्घाटन हुआ, इसकी घोषणा जो है हाल ही में संपन्न हुई, खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान की गई थी और इसको भी 3 सितंबर को जिले का स्वरूप दे दिया गया है। राज्य का ये 31वां जिला होगा और इसका भी जो मात्र जिला है वो राजनांदगांव ही होगा। इससे पहले हमने देखा था अम्बागढ़ वाला जिला जो था मोहला मानपुर अम्बागढ़, वो राजनांदगांव के दक्षिणतम क्षेत्र को काट करके बनाया गया था, जबकि यह जिला जो है ये राजनांदगांव के ऊपर वाले क्षेत्र को काट करके बनाया जाएगा, मतलब उत्तर वाले क्षेत्र को। संभाग कौन सा पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से राजनांदगांव से मिलता जुलता ही इसका संभाग रहेगा, वह है दुर्ग।
इसके बाउंड्रीज की बात करेंगे तो उत्तर में जो है यह कबीरधाम जिला आपका कवर्धा जिसे बोला जाता है, दक्षिण में देखेंगे तो राजनांदगांव, और राजनांदगांव का कौन सा क्षेत्र, तो डोंगरगढ़ तहसील वाला और राजनांदगांव दोनों ही इसके दक्षिण वाले क्षेत्र में पड़ेगा। अगर पूर्व यानी ईस्ट की बात करेंगे तो एक तो बेमेतरा जिला भी यहाँ पड़ेगा, दुर्ग भी पड़ेगा, दुर्ग का जो है आपका धमधा और बेमेतरा का साजा, ये दोनों जो है इसके पूर्व के क्षेत्र हैं, पूर्व के जिले हैं। और अगर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करेंगे, पश्चिमी बाउंड्री की बात करेंगे तो लांजी, लांजी जो मध्य प्रदेश में, बालाघाट का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ट्रेन से जब हम अक्सर जाते हैं तो वो क्षेत्र पड़ता है राजनांदगांव क्रॉस करते हुए, तो लांजी बालाघाट जो है ये इसका पश्चिमी बाउंड्री बनाएगा। इसमें भी तीन तहसील होंगे, हमने अभी तक देखा तीन जिले, हर जिले में तीन तीन तहसील, जो इसके जिले का नाम है आपका खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ये तीनों ही जो है तहसील रहेंगे। पूर्व में एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, खनिज संसाधनों से भरपूर है और चूना पत्थर जो है गौड़ खनिज के रूप में यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा अगर कुछ और फैक्ट देखें तो खैरागढ़ भी एक आपका रियासत रहा है और छुई खदान भी एक रियासत रहा है, तो उसको आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं तो अभी तक ये 31 जिले हमने देख लिए हैं। इसके अलावा भी और कुछ नए जिले हैं जो बनने के कगार पे हैं, जैसे आपका शक्ति हो गया और आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ये दोनों जिले भी कगार पे हैं जो आने वाले समय में नए जिले का स्वरूप लेंगे। तो इसको और अगर डिटेल से पढ़ना है तो हमारा जो भूगोल की क्लास चल रही है वहाँ पर इसे और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो ये था आपका पहला टॉपिक करंट अफेयर का। इसके अलावा 3 सितंबर को ही एक और अपडेट आया है निकल के खैरागढ़ से ही, जहाँ पे प्रदेश के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। हम सबको पता है खैरागढ़ में, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है, उस संगीत विश्वविद्यालय में बहुत सारी संकायें चलती हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स की पढ़ाई होती है जो आर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो वहीं पे जो है प्रदेश का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ये आर्ट्स को विजिट कर रहे हैं और जो कुलपति हैं हमारी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की, ममता चंद्राकर या मोक्षदा चंद्राकर, वो इन्हें विजिट कराती हुई, ये कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं शानदार, ये भी आप देख सकते हैं। तो आर्ट गैलरी है, बहुत ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो आपको जगह का नाम याद रखना है, वो जगह है खैरागढ़। इसके अलावा अगर देखें तो आर्ट गैलरी में वहीं के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई जो चीज़ें रहेंगी उसको ही प्रदर्शित किया जाएगा, और इसका एक नाम भी दिया गया है, तो नाम को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नाम जो है वो सोनाबाई राजवार जी के नाम पे है, जो राजवार भित्ति कला हम देखते हैं सरगुजा के क्षेत्र में, तो सोनाबाई राजवार जो है सरगुजा क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध भित्ति जो हमारी कलाकारी होती है ना, उसकी बहुत प्रसिद्ध कलाकार थी, तो उन्हीं के नाम पर इस आर्ट गैलरी का नाम रखा गया है, सोनबाई या सोनाबाई राजवार आर्ट गैलरी। तो आपको इतने ही सारे फैक्ट्स इस आर्ट गैलरी से रिलेटेड याद रखने हैं। चलिए माफ कीजिएगा, अगला टॉपिक जो है सेंट्रल रीजन काउंसिल की बैठक, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 23वीं बैठक थी, 22 अगस्त को भोपाल में आयोजित की गई। इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मध्य क्षेत्रीय जो हमारा परिषद है, पूरे देश को सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि टोटल 6 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इसके अलावा मध्य और एक है आपका उत्तर पूर्व, तो ये ऐसे करके टोटल 6 आपके क्षेत्रीय परिषद हो गए। इन क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं आपके केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो कि वर्तमान में है आपके अमित शाह जी। अच्छा, यह इसकी बैठक हाल ही में भोपाल में आयोजित की गई 22 अगस्त को, यह जो है टोटल इन टोटल 23वीं मीटिंग थी। अच्छा, जो सेंट्रल आपका है मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसमें कुल 4 राज्य शामिल हैं, एक तो हो गया आपका छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये 4 राज्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले थे लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्होंने इसे वर्चुअली अटेंड किया। तो ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि इसमें घोषणा की गई है कि रायपुर एयरपोर्ट में अब इंटरनेशनल कार्गो हब बनेगा। इंटरनेशनल कार्गो हब कुछ नहीं होता है, अलग अलग एयरपोर्ट्स, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उनके साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी, वहाँ से सामान का आदान प्रदान, उसकी प्रॉपर फैसिलिटी हम देंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है इंटरनेशनल कार्गो हब में, अगर देखें तो राज्य में जो उत्पादित होते हैं प्रोडक्ट, जो हमको बाहर पहुँचाने में पहले परेशानी होती थी या समय ज़्यादा लगता था, उसको हम वहाँ पर स्टोर करके फिर जल्दी से दूसरी जगह, दूसरे एयरपोर्ट्स या फिर विदेशों तक जल्दी भेज पाएंगे। तो कुल मिला के हमारे राज्य का ही इसमें फ़ायदा है। फरवरी 2021 में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
इस बाबत जो है रायपुर एयरपोर्ट का दौरा किया हुआ है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पे भी मुहर लगा दी है कि अब जो है रायपुर एयरपोर्ट में इंटरनेशनल कार्गो हब बनाया जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में देखें तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संविधान में इसका मेंशन नहीं है। इसे जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो आपका अधिनियम आया था 1956, उसके तहत बनाया गया है। और पहले ये 5 हुआ करते थे, और उत्तर पूर्व जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन 1971 में किया गया। तो वर्तमान में इन क्षेत्रीय परिषदों की संख्या टोटल 6 है। तो इस टॉपिक से इतना ही अपडेट था। अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। आपका अगला टॉपिक है भादो देव यात्रा। हाल ही में धमतरी के नगरी नामक स्थान पे भादो देव यात्रा संपन्न हुआ। 2 दिवसीय यात्रा, दो दिवसीय मेला समान था, समझ लीजिए। इसमें क्या है, धमतरी, बस्तर, उड़ीसा के आसपास के लगभग 209 गांव के श्रद्धालुओं ने या लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये भादो देव यात्रा में होता क्या है, अगर इसको समझें तो एक स्थान है जिसका नाम है आपका कुर्सी घाट, और वहाँ एक देवी है जिनका नाम है भंगाराव देवी, ठीक है। तो भंगाराव देवी जी का वहाँ पे अदालत लगता है, कोर्ट लगता है, और जितने भी गांव के लोग जो होते हैं, आसपास के गांव के लोग, वो लोग अपने अपने देवी देवताओं को जो है वहाँ पे ले करके आते हैं। अब क्यों ले करके आते हैं, तो समय पे अगर उन्होंने कभी उनसे कोई मान्यता मांगी हो, कोई कोई मांग रखी हो और वो पूरी ना कर पाए हो उनकी देवी देवता, तो उनको सजा दिलाने के लिए, उन पे केस चलाने के लिए उनको यहाँ लाया जाता है, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उनके खिलाफ सुनवाई होती है और अंत में उनको सजा भी दी जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें भी बताया कि ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग अपरिचित हैं। तो जगह आप याद रखेंगे, नाम आप याद रखेंगे, भादो देव यात्रा कहाँ हुआ, धमतरी के नगरी में। वो स्पेसिफिक जगह पूछे तो कुर्सी घाट, देवी का नाम पूछे तो भंगा राव देवी, ठीक है। और क्या है, तो देवी देवताओं को न्यायालय के, इसको, इस जो कुर्सी घाट जो जगह है उसको देवी देवताओं के न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है, मैंने शुरू में ही बताया। अब भंगाराव देवी की मान्यता के बिना जो है क्षेत्र का कोई भी अन्य देवी देवता कोई कार्य नहीं करता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मजेदार फैक्ट है। सुनवाई के दौरान जो है देवी देवताओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है, और गाँव में होने वाले किसी प्रकार के कष्ट को दूर न कर पाने की स्थिति में देवों को जो है दोषी माना जाता है। तो ये उसी मेले की एक तस्वीर है, और ये फैक्ट और ये जगह, इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है, कभी वन डे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ऊर्जा, एनर्जी वाले टॉपिक से। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा जब हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड एक करंट अफेयर निकल कर आया है, जिसमें सीएम साहब ने हाल ही में एक डिक्लेरेशन किया कि राज्य में जो है 1320 मेगावाट के दो यूनिट, मतलब कि 660 और 660 मेगावाट के दो यूनिट बिजली बनाने के लिए लगाए जाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे, तो कोरबा पश्चिम और कोरबा पूर्व, हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के ऊर्जा वाले संसाधन में कि वहाँ पे बिजली संयंत्र है। तो कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के दो संयंत्र, राज्य बनने के बाद में इतने वृहद स्तर पे ये पहली बार लगाया जाएगा, और ये जो संयंत्र होगा ये अब तक का सबसे आधुनिक संयंत्र भी होगा। CSPGCL का ये सबसे बड़ा एवं सबसे आधुनिक संयंत्र होगा। अभी प्लानिंग स्टेज में है, 2030-31 तक इसके पूरे होने की संभावना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी और उसको ध्यान में रखते हुए ही इसको स्थापित किया जा रहा है। इसी बहाने हम बिजली से या विद्युत से संबंधित और अगर चीज़ें अपडेट्स देखें तो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन कई बार PSC और व्यापम में पूछा जा चुका है, तो इसका डेट हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसका डेट है 15 नवंबर 2000, 15th of November 2000। जिस समय इस मंडल का गठन हुआ उस समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता जो होती है आपकी वो 1360 थी, वर्तमान में जो है आपकी क्षमता 2984.7 मेगावाट है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि 130 के आसपास है, और ये लेटेस्ट हमको आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा देखना पड़ेगा कि उसमें कितने परसेंट की एग्जैक्ट वृद्धि हुई है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि सन 2008 से हमारा छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में एकमात्र प्रदेश बना जो शून्य पावर कट वाला प्रदेश है। तो देश का प्रथम शून्य पावर कट वाला प्रदेश बना छत्तीसगढ़ सन 2008 से। शून्य पावर कट मतलब यहाँ पे
जानबूझ करके जो है बिजली की कटौती नहीं की जाती है। अगर मौसम खराब है या ऐसा कुछ इमरजेंसी है उस केस में तो जरूर बिजली बंद होती है, लेकिन कई राज्यों के जैसे जैसे बहुत सारे राज्यों में 3 घंटे 4 घंटे की बिजली कटौती की जाती है ताकि अगले दिन या आने वाले समय में उसकी पूर्ति अनवरत जारी रखी जा सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसे देश का प्रथम शून्य पावर कट राज्य भी कहा जाता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का हाल ही में पुनर्गठन हुआ, यह भी एक करंट अफेयर का टॉपिक था। तो छत्तीसगढ़ जो वितरण कंपनियां होती हैं या फिर छत्तीसगढ़ मंडल की जितनी कंपनियां हैं, पहले उनकी संख्या जो है 5 हुआ करती थी, अब उसको पुनर्गठन करके 3 कर दिया गया है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो पहले जो है 5 कंपनियां कौन कौन सी थी, तो होल्डिंग एक छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी होल्डिंग कंपनी आपकी थी, जनरेटिंग, फिर था आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में था आपका ट्रांसमिशन और था आपका ट्रेडिंग। तो 1 अप्रैल 2022 को इसका पुनर्गठन किया गया और इसमें जो होल्डिंग वाली कंपनी थी और आपकी ट्रेडिंग कंपनी थी इनको मर्ज कर दिया गया और सबको मर्ज करके 3 ही कंपनियां रह गई हैं, जनरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और ट्रांसमिशन। तो ये भी एक फैक्ट है प्रीलिम्स और व्यापम से संबंधित, इसको भी आप याद रखेंगे। तो आपके ऊर्जा से संबंधित इतना ही अपडेट था। अगला एक छोटा सा टॉपिक है जो है आपका क्रेडा। क्रेडा को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, किस चीज़ के लिए क्रेडा को राष्ट्रीय सम्मान मिला है तो वो देख लेते हैं। तो ये जो है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा 27 अगस्त को केरल जो हमारा राज्य है उसके कोचीन नामक शहर में इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य नोडल एजेंसी एवं सर्वाधिक सौर सिंचाई जो पंप होता है उसकी वितरण के लिए, इन दो कार्यों के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ आपका सम्मान बोल सकते हैं, राष्ट्रीय सम्मान जो है ये इनको दिया गया है। तो एक छोटा सा फैक्ट है, कभी आपसे पूछता है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित कुछ क्या अच्छा कार्य कर रही है क्रेडा, वहां पे आप इसे इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रेडा की स्थापना से भी कई बार पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन आया है। तो इसकी जो स्थापना थी वो 25 मई 2001 को की गई थी। इसका काम क्या है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है आपका रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत, इसका बेहतर दोहन करना, इसका बेहतर इस्तेमाल करना और नए तरीके ढूंढना कि इनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो क्रेडा और ऊर्जा से संबंधित ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले करंट अफेयर की तरफ हम चलेंगे जिसमें बताया गया है कि भिलाई में सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक। अब तक हमने लोगों के क्लिनिक देखे थे, जानवरों के क्लिनिक देखे थे, अब पानी का भी क्लिनिक आ गया है। ये क्या है अगर देखें तो ये भिलाई में एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया गया है हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा। ये कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा आरओ है समझ लीजिए। आरओ से पानी फिल्टर होकर लगभग 10,000 की आबादी को ये पानी पिलाएगा। रोज लगभग 25,000 लीटर की इसकी क्षमता है, मतलब कि यहाँ से हमको साफ पानी पीने को मिलेगा। ये जो है ये भवन है आप देख सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक भिलाई में है, जगह आपको याद रखना है। और जो भी हम आप अगर आरओ से पानी पीते होंगे तो आपको पता होगा साफ पानी निकालने के लिए उसमें बहुत सारा पानी फिल्टर होकर बह जाता है, तो उस पानी को जो है गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। तो वन लाइनर ये फैक्ट है, कभी आपसे पूछता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक की स्थापना कहाँ की गई है, तो आपको आंसर देना है भिलाई में, दैट्स इट। अगला देखें अगर तो राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान पे बहुत ज्यादा जोर रहता है राज्य सरकार का, क्योंकि एनीमिया और कुपोषण की स्थिति राज्य में हमेशा बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है हर साल सितंबर माह पूरे 1 से लेकर के 30 सितंबर तक मनाया जाता है, तो उसी के तर्ज पे इस साल भी 1 से लेकर के 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण अभियान मनाया जा रहा है। इस साल का जो फोकस है वो पोषण पंचायत पे फोकस है। पोषण पंचायत मतलब पंचायत के स्तर से कैसे पोषण की स्थिति को सुधार किया जा सके। और इस पूरे अभियान का कुल मिला के क्या मकसद है, तो महिलाओं में एनीमिया को दूर करना, बच्चों में कुपोषण को दूर करना, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे साफ सफाई से हमें रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान देना, इन सब चीज़ों में सुधार लाना ही इसका मेन मकसद है। वजन त्यौहार एक होता है हमारे राज्य में, आप सब जानते होंगे, अगर उसमें कोई बच्चा छूट गया है तो उस बच्चे को इस प्रोग्राम के तहत कवर करना, यही सब इसका मेन एजेंडा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पोषण अभियान कब से कब तक मनाया गया, तो आपको आंसर देना है 1 से 30 सितंबर तक, बस इतना ही है इसमें। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो शिक्षा से संबंधित है। इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डील किया था हमारे सेकंड जो वीडियो आई थी जून माह के अंत में, करंट अफेयर की वीडियो, उसमें।
तो कोरबा मेडिकल कॉलेज को हाल ही में 100 MBBS सीटों की मान्यता दे दी गई है। अभी आपको लग रहा होगा ये हर हफ्ते या हर 10 दिन में किसी न किसी कॉलेज को मान्यता मिल रही है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले स्टेट में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ सालों पहले, आज से 1.5 या 2 साल पहले, राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, एक कांकेर में, दूसरा महासमुंद, तीसरा कोरबा में। लास्ट ईयर जो है कांकेर को मान्यता दे दी गई थी, इस वर्ष कुछ हफ्ते पहले महासमुंद को मान्यता मिली और पिछले ही हफ्ते की बात है कोरबा को भी 100 MBBS सीटों की मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही जो है राज्य में टोटल MBBS की सीट्स बढ़ के 1570 हो गई है। टोटल कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये मैंने जून माह के सेकंड वीडियो में अच्छे से कवर किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा अपडेट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड और निकल के आया है, वो क्या है, तो कवर्धा जिले में भी अब प्रावधान हो रहा है कि अगले वर्ष जो है एक सरकारी मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष वहाँ पे खोला जाएगा। केंद्र की टीम ने अभी हाल ही में वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका दौरा किया है। तो मेडिकल कॉलेज से संबंधित ये था। खेल एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड दो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर रिविजन जैसा कर लेते हैं कि इसका आयोजन जो है रायपुर में 20 से 25 सितंबर तक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन चैंपियनशिप है, पहली बार रायपुर में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इंडोर स्टेडियम, जिसे बूढ़ा तालाब स्टेडियम या फिर बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा जो एक बड़ा आयोजन है रायपुर में होने वाला है, वो है आपका 19 से 29 सितंबर के बीच रायपुर में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट। ठीक है, चेस टूर्नामेंट, तो चेस से रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें 20 देशों के, लगभग 20 देश के ग्रैंड मास्टर और टाइटल होल्डर खिलाड़ी, मतलब विजेता खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोनों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा है, इसलिए आपको याद रखना है आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो रहा है, तो आपसे कभी भी इसको क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है, इसके डेट को पूछ सकता है, इसके लोकेशन को पूछ सकता है, तो दोनों तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अंत में देख लेते हैं विविध में क्या क्या है, मिसलेनियस में क्या क्या है। तो राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन भी मैंने पहले पढ़ाया था, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, ये 51वां सम्मेलन था और 27 और 28 अगस्त को रायपुर में इसका आयोजन किया गया। आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड, आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया आपके बस्तर को। ये टूरिज्म से संबंधित एक अवार्ड है जो बस्तर को दिया गया, इसी कैटेगरी में, मतलब इसी सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ को जो है बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया। ऑफ बीट मतलब जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, लेकिन उनमें भी ये बेस्ट कैटेगरी में आपको जगह किसको दिया गया है, तो वो छत्तीसगढ़ को जगह दिया गया है। बेरोजगारी दर के बारे में आजकल बहुत चर्चा में है, बेरोजगारी दर की 0.4% है हमारी बेरोजगारी दर, लेकिन 91 प्यून के पोस्ट के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म्स गए हैं। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हर महीने सर्वे करता है, उसमें बताता है कि देश की बेरोजगारी कितनी है, किस किस राज्य की बेरोजगारी कितनी कितनी है। तो इसमें पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी काफ़ी कम दर्ज की जा रही है। इसके कारणों पे डिटेल में चर्चा मैंने पहले भी किया हुआ है, फिलहाल हम देख लेते हैं कि अगस्त माह के लिए छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर मात्र 0.4% थी। इसी सेम महीने के लिए सबसे सर्वाधिक जो बेरोजगारी दर थी वो आपका हरियाणा है, 37.3%। इतने ही फैक्ट्स थे इसमें। फिक्की ने एक स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया है, फिक्की कमर्शियल एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए अवार्ड दिया है छत्तीसगढ़ के दो बड़े पुलिस अधिकारी को, दोनों IPS हैं। सबसे पहले संतोष सिंह, इनके नाम से आप लोग परिचित होंगे, वर्तमान में कोरबा के पुलिस अधीक्षक हैं, और इन्हें जो है फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया है। इससे पहले संतोष सिंह को ISCP इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा 40 Under 40 का अवार्ड भी मिल चुका है। 40 Under 40 का अवार्ड पाने वाले राज्य के एक और पुलिस अधिकारी हैं, आप सब उनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इनसे पहले संतोष सिंह जी से पहले ISCP अंडर 40 अवार्ड उनको भी मिल चुका है। अच्छा, संतोष सिंह के अलावा रायपुर के SSP प्रशांत अग्रवाल को अपने बिलासपुर टेन्योर के दौरान साइबर मितान नाम का अभियान चलाने के लिए भी ये अवार्ड दिया गया। तो टोटल दो लोगों को दिया गया। संतोष सिंह को क्यों दिया गया, तो जब ये रायगढ़ में पोस्टेड थे, जब वहाँ पे बाढ़ आई थी, तो एक संवेदना नाम का प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, जिस वो कुछ नहीं, एक फ्लड रिलीफ प्रोग्राम था, तो उसमें अच्छा कार्य करने के लिए इन्हें अभी ये पुलिसिंग अवार्ड दिया गया है, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड। और ये साइबर मितान नाम का प्रोग्राम चलाने के लिए आपके प्रशांत अग्रवाल, जो वर्तमान में रायपुर SSP हैं,
उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में इतना ही था आज के लिए। दो सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि तीन नए जिले बने हैं तो उससे रिलेटेड ही मैंने कुछ सवाल निकाल के लाए हैं। पहला तो ये कि दुर्ग जिले का निर्माण किस वर्ष किया गया था। अगर आपने बेसिक छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा शुरुआती चैप्टर में राज्य निर्माण, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि दुर्ग जिले का निर्माण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है ए 1861, 1862, 1906, 1948। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। दूसरा, राजनांदगांव जिले का निर्माण किस वर्ष किया गया था। देखें तो राजनांदगांव के लिए ऑप्शन हैं ए में 1973, बी में 1948, सी में ये 19, इसको इग्नोर कीजिए, और डी में जो है 1998। तो ये दो सवाल हैं, अगर आपने पढ़ा है तो जरूर जवाब दें, और नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि राज्य में नए जिलों का गठन हुआ है और आपके भूगोल में भी बहुत सारा परिवर्तन अब आएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। हमारे यहाँ पे ज्ञान समर कंप्लीट हो चुका है, उसके रिजल्ट्स एक दो दिन में डिक्लेयर होने वाले हैं, और इसके अलावा शिक्षक भर्ती, व्यापम परीक्षाएं और पीएससी प्री और मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप जल्दी करते हैं, इसमें एडमिशन लेते हैं, या फिर आपने ज्ञान समर में पार्टिसिपेट किया था, तो आपको 50% तक की छूट है। यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे नंबर्स, कमेंट बॉक्स में भी हैं, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक फ्री ऑफ कॉस्ट पीएससी के लिए प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसका फर्स्ट फेज सभी के लिए मुफ्त है, फ्री है। अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, और अगले करंट अफेयर के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।